हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज मैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगी और सेकंड चैप्टर की ओर हम चलते हैं। चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हम फूड लेते हैं उसमें कौन कौन से घटक होते हैं, उसको हम आज पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि भोजन का मुख्य पोषक क्या क्या होता है। तो ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ कि भोजन में मुख्य पोषक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश मीन्स फाइबर और जल भी शामिल है, जो शरीर के लिए अति आवश्यक है। जल कैसे आवश्यक है? जल जो भी हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें पचाने में बहुत ज़रूरी होती है जल। तो कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक से अधिक पोषक उपस्थित होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का हम परीक्षण करेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि इस फूड में प्रोटीन है, इस फूड में विटामिन है, इस फूड में वसा है। तो हम इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। इस परीक्षण को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको कुछ परख नलियों और ड्रॉपर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं वसा कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। तो इस परीक्षण को करने के लिए हम कच्ची सामग्री के रूप में लेंगे आलू कटा हुआ, आयोडीन की 2-3 बूंदें, खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को हम देखेंगे कि ये नीला या काला पड़ रहा है कि नहीं। और हम मैं आपको एक बात और बता दे रही हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको पूरा बुक पढ़ने का तो टाइम रहेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए कच्ची सामग्री लेंगे, जैसे स्टार्च युक्त फूड और 2-3 बूंदें आयोडीन की, और फिर हम देखेंगे कि उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो रहा है। इफ़ ब्लू या ब्लैक कलर आता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। इसी तरह हम प्रोटीन का टेस्ट करेंगे, प्रोटीन में पिसा हुआ खाद्य पदार्थ लेंगे। ठीक, इसके बाद उसमें पानी मिलाएंगे, उसको घोलेंगे, फिर उसमें CuSO4 कास्टिक सोडा कॉपर सल्फेट का मिलाएंगे। जब हम देखते हैं कि इसका रंग बैंगनी हो जाता है तो इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। ऐसे ही हम फैट का टेस्ट करेंगे, खाद्य पदार्थ लेंगे, ऑयली खाद्य पदार्थ जैसे पूड़ी वगैरह, तली भुनी चीज़ें, उसको कागज़ की टुकड़ों में लपेटकर रगड़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसमें अगर तेल के धब्बे पड़ जा रहे हैं, दैट मीन्स कि उसमें फैट उपस्थित है। ठीक, तो हम 3 चीज़ें जान गए इसमें में। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे, आलू के कटे हुए टुकड़े लेंगे, उसमें आयोडीन की मात्रा मिलाएंगे, और जब हम देखेंगे कि यह ब्लू या ब्लैक कलर का हो गया है, दैट मीन्स कि उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। प्रोटीन के लिए इसी प्रकार हम लेंगे पिसा हुआ खाद्य पदार्थ, उसमें पानी मिलाएंगे, देन उसको घोलेंगे, फिर उसमें थोड़ी सी मात्रा कॉपर सल्फेट की डालेंगे। जब हम देखते हैं कि बैंगनी रंग का हो गया, मतलब उसमें प्रोटीन उपस्थित है। अब हम लेंगे फैट टेस्ट। फैट टेस्ट में खाद्य पदार्थ लेंगे, जैसे ऑयली तली भुनी चीज़ें, उसको कागज़ के टुकड़ों में लपेटकर देखेंगे कि तेल के धब्बे अगर उस कागज़ में पड़ जा रहे हैं, दैट मीन्स कि उसमें फैट उपस्थित है। तो फिर अब हम ये देखते हैं कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की जो समान मात्रा है वो अधिक ऊर्जा देती है, मतलब कि सबसे अधिक ऊर्जा हमें फैट वाले फूड खाने से मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फैट वाले फूड ही खाएंगे, ज़्यादा फैट वाले फूड खाने से हम मोटापे का शिकार हमें हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए। प्रोटीन युक्त भोजन हमेशा हमेशा जो होता है वो शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जैसे आँख, हड्डियाँ, दांत, मसूड़े स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। और विभिन्न प्रकार के विटामिन के सोर्सेस हैं, विटामिन A, B, C, D, E, K, इन सबको हम अपने फूड के थ्रू लेते हैं, जो हमारे शरीर की रक्षा में सहायक होते हैं। विटामिन ए हमारी, जैसे विटामिन ए हमारी त्वचा की, आंखों की स्वस्थ रखते हैं। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग किया जाता है।
हमारे शरीर को कुछ मात्रा में खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। खनिज लवण हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ठीक, इसी प्रकार हमारे शरीर के लिए आहारी रेशे, फाइबर फूड जो होते हैं वो बहुत आवश्यकता होती है, और जल की भी। इसे हम वृक्षांश नाम से, मतलब कि फाइबर के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इनके सोर्सेस क्या हैं, हमें फाइबर कैसे मिलेगा? जब हम कोई साबुत खाद्यान्न लेंगे, या दाल, आलू, ताजे फल या सब्जी, इन सबसे हमें फाइबर मिलता है। फाइबर हमारे शरीर के लिए कोई पोषक प्रदान नहीं करता, फाइबर जो है वो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जो भी पोषक तत्व हम ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये अपशिष्ट पदार्थों को भी निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जल तो आप जानते हैं कि जल हम कैसे लेते हैं, द्रव के रूप में लेते हैं। जल पिएंगे तब भी उसमें जल मिलेगा, दूध से, चाय से, इन सब, ये जो सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं इन सब से हमें जल की प्राप्ति होती है। अब जैसे आप टमाटर या नींबू काट ले, जैसे इसमें क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि टमाटर और नींबू काट ले, इनमें जो देखते हैं कि हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, दैट मीन्स कि उसमें जल उपस्थित है। अब आती है बात संतुलित आहार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल क्वेश्चन बनता है। तो हम देखते हैं कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। जैसे कोई भी पोषक तत्व की ना आवश्यकता से अधिक लेना चाहिए और ना ही कम लेना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर और जल भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, मतलब कि हमारे भोजन में प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, फैट भी हो, फाइबर भी हो और वाटर भी हो। ठीक है, सबकी उचित मात्रा में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, संतुलित आहार। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए आहार की सेम आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पे, जो जितना अधिक कार्य करेगा उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और उसे उतना ही संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार कर लो। ये सब जांच करने के लिए बताया, तो ये हम अवॉइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, हम जब भोजन पकाते हैं तो उसका स्वाद तो बढ़ता है, पचाने में आसानी भी होती है, इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। जैसे पकाने में, ये देखिए, विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो क्या करेंगे कि हम भोजन को, विटामिन सी तो नष्ट हो गया, तो हम इसीलिए विटामिन सी लेने के लिए हम संतरे खाते हैं, नींबू खाते हैं, तो क्या होता है, इससे विटामिन सी, सिट्रिक एसिड हमें प्राप्त होता है। और जैसे मैंने बताया कि जैसे फैट में जो होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि इसी में, देखो ये बताया गया है कि जो बूझों ने वसा युक्त खाना सर्वोत्तम होता है, तो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट की भोजन की अपेक्षा उसने कटोरी भर वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि समोसा, पूरी, मलाई, ये सब कुछ खाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं। आप किसी भी चीज़ की अगर मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो वो हार्मफुल होता है, तो वो उससे इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है। और मोटापा आया, दैट मीन्स कि कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब की बीमारी तो है ऑटोमेटिकली ही आ जानी है, अब यू नो ना। अब हम देखते हैं अभावजन्य रोग, मतलब कि किसी भी कंपोनेंट की अगर कमी हो जाती है तो उससे कौन कौन सा रोग हो सकता है। अब जैसे हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो प्रोटीन नहीं लेने से क्या होगा, हमारे सबसे पहले हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पर स्वेलिंग आ जाएगी, बालों के रंग का उड़ना, बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे, त्वचा संबंधी बीमारी, पेंचिस, ये सब हो सकती हैं। अब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ही क्या करते हैं, लंबे समय तक अगर अनुपस्थित रहें तो वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, इंसान बहुत दुबला पतला हो जाएगा। तो अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए क्या करना है, आपको संतुलित आहार लेना है। तो आई थिंक आपको संतुलित आहार के बारे में पूरी नॉलेज मिल गई होगी, और अगर कुछ भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने डाउट। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आई मेन चीज़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में सीधे पूछ लिया जाता है इनका नाम, कि विटामिन ए का नाम क्या है, इससे कौन सा रोग होता है। तो हम ये देखते हैं कि विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, दैट मीन्स कि इन सब की कमी से, विटामिन डी से रिकेट्स, कैल्शियम से अस्थियां और दंतिक्षय, और आयोडीन से घेंघा, लौह से अरक्तता। ठीक है, तो इन सब को आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या है,
सॉरी उसके ऊपर है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार तो मैंने आपको बता ही दिया है कि संतुलित आहार में अपने भोजन में एक प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, जल, फाइबर, इन सबको उपयुक्त मात्रा में लेना ही संतुलित आहार कहलाता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मैंने बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है सेकंड नंबर में, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। फर्स्ट नंबर में वसा में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, देन से कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड कैसे हो गए? आलू हो गया और क्या कहते हैं गेहूँ वगैरह, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा हमें कोई भी भोज्य पदार्थ लेंगे तो हमें उससे और एनर्जी मिलेगी। वसा मैंने बता ही दिया है कि ऑयली चीज़ें जो होती हैं वो फैट होती है। खनिज, पोषक तत्व, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसमें जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये है कि दो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिसमें निम्न प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। तो इसमें हम देखते हैं, तो निम्न पोषक प्रचुर मात्रा किस में होती है? मंड में। ठीक, अब हम आते हैं रिक्त स्थान में। रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी, और हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी, दैट मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि नॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो सके। मेरा मोटिव यही है कि मैं लोगों को अपना नॉलेज बांट सकूं, और क्योंकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये यूट्यूब चैनल बहुत ही बढ़िया स्कीम है कि लोग अपना ज्ञान बाँट कर दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं, लोग ज्ञान ले सकते हैं। और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।